हिमाचल प्रदेश इस वक्त कुदरत की मार के आगे बेबस है। शिमला, कांगड़ा, कुल्लू में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। हिमाचल में भीषण बारिश और लैंडस्लाइड से मरने वालों का आंकड़ा 71 तक जा पहुंचा। अब तक 10,000 करोड़ के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। राहत बचाव का काम अब भी जारी है। पिछले 48 घंटों में पश्चिमी वायु कमांड के हेलीकॉप्टर्स ने 50 से ज्यादा उड़ानें भरी और 780 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा है। मंदिर में जहाँ वहाँ पे पूरी दोनों साइड्स को देख करके आए हैं और ऐसा लगता है कि 6-7 बॉडी अभी भी डेड बॉडी को नहीं मिला है। इधर शिमला के शिव मंदिर में रेस्क्यू अब भी जारी है। अनुमान है कि लगभग 9 लोग और लापता हैं। कुल्लू मनाली आने जाने के सभी रास्ते फिलहाल बंद हैं। जिला प्रशासन ने गंभीर रूप से घायलों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से PGI चंडीगढ़ भेजा है। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड हुआ और दोनों पेशेंट्स को जो है चंडीगढ़ के लिए भेज दिया गया है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक किसी भी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया।